क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। दुर्गा पूजा महासमिति व प्रशासन ने शांतिपूर्ण कराया दुर्गा पूजा विसर्जन समारोह। कार्यक्रम में पहुंचे कई गणमान्य। भागलपुर में शनिवार को विभिन्न गंगा घाटों पर शहर के 46 माँ दुर्गा प्रतिमा का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विसर्जन सम्पन्न हुआ। दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने पार्वती दुर्गा प्रतिमा को अपने निगरानी में लगभग 12:15 पर स्टेशन चौक लाया, जहां विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल युवा भक्ति गीत के धुन पर जमकर थिरके और मां दुर्गा की जयकारे लगा रहे थे। हालांकि इस बार विसर्जन शोभा यात्रा में वह रौनक देखने को नहीं मिली जो 2 साल पूर्व दिखती थी। इस बार शोभा यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इक्का दुक्का ही दिखे। शायद भीड़ कम जुटने का अंदाजा गोलगप्पा चाट पकौड़े व खिलौने वाले को लेकर भी हो गई थी। इस कारण विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग में खाने पीने खिलौने और रेहड़ी वाले की संख्या काफी कम सजी थी। शोभा यात्रा मार्ग की सड़कें इस बार सुनी दिख रही थी। लोगों का कहना था कि कोरोना के मार से आदमी के पास पैसा ही नहीं है, मेला क्या देखने आएगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारी पूर्ण रूपेण चुस्त दुरुस्ती SSP भागलपुर नेता सागोड़िया अपने दलबल के साथ काफी एक्टिव दिखी। साथ ही साथ CT SP SP सार्जेंट मेजर के साथ साथ सैकड़ों जवान विसर्जन शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण सफल बनाने में लगे दिखे। दुर्गा पूजा की जितनी भी समिति सभी प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम है, इसमें सभी संवेदनशील स्थलों के पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट एवं कर्मियों की प्रतिनिधि की गई है और पूरा जिला प्रशासन बहुत ही चौकस है। साथ में हमारे सहयोग के लिए शांति समिति के सभी सदस्य भी हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर के ये सुनिश्चित कराएंगे कि आज जो विसर्जन का पूरा कार्यक्रम जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जो है उसका निर्धारण किया। शहरवासियों से क्या अपील रहेगी जिला प्रशासन की? शहरवासियों से यही मेरी अपील है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सारा कोरोना के गाइडलाइंस का फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो विसर्जन है उसको बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है उसको करें। हमारे सभी मातृशक्ति नैनो जी और जितने भी मातृशक्ति युवा शक्ति है सबको मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भाइयों को बहनों को सभी पूजा समिति के लोगों को मैं आप सबका विनती करते हुए। नारियल चुनने गए 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से गई जान। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के मनिक सरकार गंगा घाट पर नारियल चुनने गए 12 वर्षीय कुणाल कुमार की डूबने से जान चली गई। दरअसल डूबते देख उसे बचाने के लिए 18 वर्षीय रवि कुमार जैसे ही नदी में छलांग लगाया वह तेज धार के बहाव में चला गया। मौके पर वह भी डूब गया। आसपास के लोगों ने देखा तो उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक दोनों गहरे पानी में चले गए थे। तेज बहाव होने के कारण कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। परिजनों को सूचना मिलने पर आनन फानन में गंगा घाट पर पहुंचे परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। रवि का शव गंगा नदी में तैरते नजर आया जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंचे SDRF की टीम ने उसे बाहर निकाला। बरामद शव का पहचान दीपनगर आदमपुर के रहने वाले दिलीप राम के 18 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में की गई। रवि पानी बेचने का काम करता था जबकि दूसरे की पहचान दीपनगर के ही रहने वाले विष्णुदेव पासवान के 12 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार के रूप में की गई है। बस ये भी जो है निकालने के लिए गया ये भी बैठ गया। इसको बचाने के लिए बचाने के लिए गया वो बैठ गया उलझा। इसको भी किसी कौन सा घाट पर डूबा? मानी सरकार घाट। क्या नाम है आपका? भगवान में लाश निकला कहाँ पे? लाश तो बीच में निकला है यहाँ पे मतलब। कितना आदमी डूबा था इसमें? 2 आदमी। तो कितने का लाश मिला? एक तो मिला है, बच्चा मिल भी नहीं किया, बड़का मिला छोटका नहीं मिला। कितना घंटा बाद मिला? मिला तो 24 घंटे के बाद मिला।
कितने बजे डूबा था? एक देसी कट्टा व जिंदा 9 कारतूस के साथ कुख्यात चिंटू यादव गिरफ्तार। खरी थाना के नया टोला भवनापुरा निवासी कुख्यात चिंटू यादव को पुलिस ने हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने PC करते हुए जानकारी दी कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नया टोला भवनपुरा में दुर्गा पूजा के दौरान चिंटू यादव, गौरव यादव, मौसम यादव हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं। सूचना के सत्यापन के लिए टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व SDPO दिलीप कुमार कर रहे थे। पुलिस स्थल पर पहुंचे तो देखा कि तीन आरोपी दहशत फैलाने के लिए दुर्गा पूजा के दौरान हवाई फायर कर रहे थे। पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा किंतु वे लोग गोली फायर करते रहे। पुलिस ने तीनों को घेरने लगे तो वे लोग गोली फायर कर भागने लगे। चिंटू यादव हथियार के बल पर पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने चिंटू यादव को अपने कब्जे में ले लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 9 गोली, एक खोखा, एक बिंडोलिया, 450 ग्राम गांजा और गांजा पीने वाला चिलम बरामद किया। छापेमारी दल में खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, अनी अविनाश राउत, सानी बालेश्वर दास मौजूद थे। आरोपित के विरुद्ध खरीक व नदी थाना में 12 मामले हैं। एक हत्या का मामला, जानलेवा हमला, अपहरण, रंगदारी व संगीन मामले दर्ज हैं। पीसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार मौजूद थे। जानकारी कल मिली कि वो खरीक मेला घूमने आया है और तो जानकारी मिलते ही SDPO के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें कि खरीक थाना अध्यक्ष स्वयं और DIO की टीम और अन्य पदाधिकारी थे। वो जब पुलिस टीम वहाँ पहुंचती है, घेराबंदी करती है, तो फायरिंग करना शुरू करता है। पुलिस ने वार्निंग भी दिया, तुम सरेंडर कर दो, उसके बावजूद फायरिंग जारी रखा। बहुत सूझबूझ से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी क्रम में तो तलाशी ली गई, उसके पास ये हथियार और एक कारतूस बरामद हुआ, उसके पास इतना गांजा भी ये बरामद हुआ है। ये मैं कह सकता हूँ नवगछिया पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। लगभग एक दर्जन कांडों में वांछित था। किस तरह के कांडों में? ये देखिए, हत्या, रंगदारी मांगना, लोगों को डराना, धमकाना, कई कांडों में ये वांछित। कहाँ से? उत्सव काले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, DJ फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। उन्नीस अक्टूबर को बिहपुर खानका में जश्न ईद मिलादुन्नबी। बिहपुर प्रखंड स्थित खानका आलिया फरीदिया मोहब्बतिया में 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस त्योहार को 12वीं शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान खानका परिसर में पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु वसल्लम के नए मुबारक की जियारत लोगों को कराई जाएगी। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कुरान खानी, 10 बजे से मिलाद शरीफ जलसा, तकरीर व नाच शरीफ का आयोजन होगा। कार्यक्रम की सदारत खानका के सजदा नशी हजरत अली कौनेन खां फरीदी एवं जेर क़यादत नायब सजदा नशी हजरत मौलाना अली शब्बार खां फरीदी करेंगे। इसको लेकर खानका परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। सजदा नशी व नायब सजदा नशी ने लोगों से सरकारी आदेश का पालन करते हुए अपने अपने घरों में नियाज फातिहा करने की अपील की। गोसाई गाँव में नवरात्रि के बाद महाप्रसाद का हुआ आयोजन। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र के गोसाई गांव में नवरात्रि के पश्चात एकादशी तिथि को ग्रामीणों के द्वारा महाप्रसाद खिचड़ी का आयोजन किया गया। ग्रामीणों द्वारा मसालेदार खिचड़ी बनाकर सर्वप्रथम भोग लगाया गया। इसके बाद सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। मौके पर उपस्थित सतीश चंद्र झा ने बताया कि उनके गाँव में यह लगभग 5 वर्षों से आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के पश्चात एकादशी तिथि को महाप्रसाद का भोग लगता है, जहाँ सभी लोग एकजुट होकर बैठकर प्रसाद प्राप्त करते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षक अमरनाथ झा ने बताया कि उनके गांव में आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षक KC मिश्रा ने बताया कि उनके गाँव में 5 वर्षों से यह प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित होते हैं। महिलाओं को उनके घर पर महाप्रसाद भेज दिया जाता है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण महाप्रसाद में शामिल होकर प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। बताइए आज के आयोजन के बारे में। मेरा नाम सतीश चंद्र झा है और
हम लोग दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर खिचड़ी का आयोजन किए हैं। इसमें आपसी सौहार्द के लिए कि एकजुट रहें सभी युवक। इनके बारे में मैं अमरनाथ झा गोसाईगांव से। यह जो महाप्रसाद का आयोजन हुआ है ना, यह प्रत्येक वर्ष हम लोग चाहते हैं कि दशहरा के बाद, और करते भी हैं, सभी युवा बैठ के एक साथ निर्णय लेते हैं कि शाम को जब शनिवार आता है दुर्गा पूजा की ठीक बाद, तो शनिवार के दिन इसका आयोजन होता है और पूरे गांव को, खास करके जितने भी परिचित लोग होते हैं सबको आमंत्रण करते हैं कि आप आइए प्रसाद लीजिए, और जो लोग आते हैं सभी बैठते हैं, सभी मिल के। इसमें कहीं कोई उम्र का बंधन नहीं होता, बच्चे हों या बड़े हों या हमसे बहुत बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं, और बहुत ही प्रेम से सब मिल के बनाते हैं अपने से, और सब प्रसाद लेते हैं और सब एकजुट होकर अपने गांव के साथ साथ पूरे संस्कृति के विकास की एक संकल्प भी लेते हैं। एक हमारी हम लोगों की एक एकजुटता का एक उदाहरण है कि सभी एक साथ मिलकर बैठ के खाते भी हैं और खिलाते भी, जो नहीं आते उनको हम लोग घर घर जाके प्रसाद देते भी। आज के आयोजन के बारे मैं केसी मिश्रा गोसाईगांव से, और आज जो इस यह प्रोग्राम हो रहा है, यह दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर खिचड़ी का प्रोग्राम हो रहा है, और इसमें मात्र एक ही संदेश हम लोग जो है देना चाह रहे हैं कि आपसी प्रेम और सौहार्द। और इसमें जो है हम लोग पूरे गांव में जितने भी ग्रामीण हैं सब मिल करके जो है माँ प्रसाद खाते हैं, और घर की महिलाओं को घर जा कर के जो है प्रसाद जो है पहुँचाया जाता है। इसमें एक अद्भुत जो है आनंद का जो है अनुभव होता है, और हम लोग बहुत प्रेम और भाईचारे से मिल करके जो है इसको बनाते हैं। कितने दिन से चल रहा है ये? हम लोग जो है लगभग 5 साल से अभी कर रहे हैं, और इसको आगे भी हम लोग जो है करते रहेंगे। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमिहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। बीलिस BBA BCA BJMC BEd DEd MEd में नामांकन जारी है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सोच समझ कर करें मतदान। 5 साल के बाद मिला है मौका, बोले रंगराज जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल। पंचायत चुनाव का अवसर 5 साल के बाद मिलता है, ये एक ऐसा अवसर है जो सभी नागरिकों को मिलता है कि वे अपनी पसंद से एक अच्छे जनसेवक को चुने। इस बार कोरोना और विभिन्न आपदा वाले समय को भी लोगों ने देखा, बाढ़ की विभीषिका के बीच किस तरह से लोग जी रहे थे, इसलिए भी सोच समझकर मतदान करेंगे। आपका मतदान सबसे बड़ा हथियार है, सोच समझकर मतदान करें। उक्त बातें रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल ने GS न्यूज के साथ टेलीफोनिक बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र के लोगों सहित रंगरा प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र के लोग काफी सीधे साधे हैं, जिसका प्रत्येक चुनाव में लोग अवसर उठाते हैं। प्रत्याशी उन्हें प्रलोभन देकर वोट अपनी तरफ ले लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वर्तमान समय शिक्षित हो चुका है, इसलिए लोग सोच समझकर मतदान करेंगे और उन्हें भी लोग जरूर मौका देंगे। मौके पर उनके साथ कई अन्य भी उपस्थित थे। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने डुमरिया चपरघट में किया जनसंपर्क। नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड एवं जिला परिषद क्षेत्र के डुमरिया चपरघट में शनिवार को जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मौके पर कई तरह के मुद्दे पर चर्चा हुई। गाँव में प्रत्याशी के साथ उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभास कुमार भारती, प्रत्याशी के पुत्र भानु कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुमित सिंह, राजा कुमार, कैलाश सिंह, नीतीश कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। कोरोना गाइडलाइन के तहत दशहरा मेला संपन्न। नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी मां दुर्गा को विदाई, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ विसर्जन।
शारदीय नवरात्रि के मौके पर शक्ति की देवी मां दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का विधिवत समापन विभिन्न मंदिरों में मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। इस शारदीय नवरात्रि के मौके पर मेला पंडालों में किसी भी तरह की अशांति एवं श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए खुद नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ अलग अलग मेला पंडालों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने सैदपुर, पचगछिया, रंगरा, तेतरी, भमरपुर, नौगछिया मेला पंडाल में पहुंचकर CCTV फुटेज कैमरा एवं मेले में मौजूद दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली। मौके पर उन्होंने सैदपुर दुर्गा मंदिर में सबसे बेहतर व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक को कई तरह के सुझाव दिए। तेतरी सैदपुर दुर्गा मंदिर में नियत समय पर श्रद्धालु द्वारा मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन हेतु निकाला गया। मौके पर श्रद्धालु द्वारा बतासा व कौड़ी लुटाया गया। गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार स्वयं विसर्जन शोभा यात्रा में मौजूद रहे। वे खुद अपने पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रतिमा विसर्जन स्थल तक गए। प्रस्तुत किया जा रहा है मैया की विदाई की अंतिम मेला में। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया। दौलबज्जा भगवती मंदिर में कुमोद राय ने चढ़ाए 51 किलो की एक लड्डू। दुर्गा पूजा के अवसर पर शुक्रवार को भगवती मंदिर दौलबज्जा में कुमोद राय ने 51 की ग्रा की एक लड्डू चढ़ा माता को भोग लगवाया और पैसे भी दान किए। इसके पहले कुमोद ने अपने आवास से बैंड बाजे के साथ मां की जय जयकार लगाते हुए मंदिर परिसर पहुंचे, जहां माता को चढ़ावा देने आए लड्डू आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वहीं मंदिर समितियों ने ग्रामीणों की मदद से शांतिपूर्ण माहौल में माता के कलश भी विसर्जित किया। उधर खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर में माता की कलश व प्रतिमा स्थापित कर नौवीं व दसवीं को भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां नौवीं के दिन से ही माता को खोइछा व मनोकामना पूर्ण करने के बाद हजारों महिला श्रद्धालु द्वारा खोइछा भी भरा गया। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे मेला समिति व कदवा OP थाने की पुलिस ने शांति विधि व्यवस्था बनाते हुए खैरपुर कदवा के कोशीधार में प्रतिमा का विसर्जन किया। अपराधियों की नजर अब मछली पालक किसानों पर। प्रखंड के वैसे किसान जिनकी जमीन गंगा तट के समीप है और जमीन में खड्डा है, वैसे किसान गंगा के पानी बाढ़ के पानी के निकल जाने के बाद अपनी अपनी जमीन पर बने खड्डों में हर साल मछली के बच्चों को खरीद कर डालते हैं, जिससे साल में एक बार अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार किसान कलाई की खेती करते हैं। पूर्व से ही अपराधियों के द्वारा काला सोना यानी कलाई की खेती पर लूटपाट की जाती रही है। अब इन अपराधियों की नजर मछली पालक किसानों पर भी है। जमींदारी बांध से सटे जयरामपुर के किसान कन्हैया कुमार, राजेश कुमार, मुकुंद कुमार समेत कई किसानों के द्वारा बीहपुर थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि वर्तमान समय में कई नकाबपोश हथियार के अब इन मछली भरे तालाबों के समीप मंडराने लगे हैं, जिसके कारण भय का माहौल है। किसानों के द्वारा प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई गई। ज्ञात हो कि सरकारी नियमानुसार जब सोसाइटी की जमीन का पानी खतियानी जमीन के पानी से अलग होता है, तो खतियानी जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होता है, और जिस जमीन को लेकर के सुरक्षा की मांग की जा रही है, सभी जमीन खतियानी है। ATM से रुपया निकालकर जा रहे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के चापर गांव निवासी प्रमोद यादव के पुत्र गोपाल यादव की मौत बीते गुरुवार को रंगरा चौक के समीप NH 31 पर सड़क दुर्घटना में हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर आनन फानन में पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा ले गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भागलपुर रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना लोगों के द्वारा रंगरा चौक पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर रंगरा पुलिस ने पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा। अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दशहरे के पहले मेले के दिन गोपाल बुलेट से रंगरा चौक स्थित ATM से रुपया निकालकर वापस घर जा रहा था।
रंगरा चौक से जैसे ही आगे बढ़ा, लाइन होटल के समीप कुर्सेला की तरफ से आ रही एक बाइक सवार ने आमने सामने की टक्कर दी। दुर्घटना के बाद गोपाल बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया, जहां से इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दशहरे का उत्सव परिवारों के बीच मातम में बदल गया। 5 बच्चे की मां का केला बागान में मिला शव, इलाके में मची सनसनी। नवगछिया पुलिस जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र स्थित भ्रमरपुर इलाके के केले के बगीचे में एक 5 बच्चों की मां का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतका के पिता और बहन ने ससुराल पक्ष वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हत्या करके शव को फेंक दिया। केले के बगान में शव को देखा कि साड़ी के फंदे से गले में लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा। परिजनों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किसकी हत्या हुई है? कुकली देवी। आपकी कौन है? यहाँ घर है या ससुराल? यहाँ नहीं रहा है। कब से रह रहे थे यहाँ? साल भर से। रहने का कारण? घटना के बारे में आपको कब और कैसे जानकारी मिली? बिहान के लोग सब देखल के तब जाने की। क्या देखा लोगों ने? कल के याद को सुतलो अच्छे के कहाँ में? कहाँ में? केला खेत में। तो क्या आपने वहाँ क्या देखा? आप भी गए होंगे? हम तो बाद में देखे, सब देख के आ गया था। क्या देखे? देखे मेरे ननद है। कल कब जगह थी? कल कहाँ है, तो रातियों खाना पीना ही छे। फंदा था? और साड़ी के फंदा से ही अभी तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है। किसकी पत्नी है? बात बात है। पत्नी सर किसकी है? पत्नी तो वहाँ बेटी है इनका, रामपुर मंडल यही मायके में। विश्वकर्मा लाइन होटल मकंदपुर चौक NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता, होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें 9939351526 9304535066। डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की गई जान। नौगछिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत तिनटेंगा करारी गांव में पुआरी टोला के भोटल मंडल की 3 वर्षीय पुत्री खेलने के दौरान घर के पास स्थित पोखर में डूब जाने से उसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना गोपालपुर पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर बच्चे का शव निकालकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी। पोखर में डूबने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर निवासी विजय मंडल की 4 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी कुमारी उर्फ वर्षा की मौत शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे पोखर में डूबने से हो गई। परिजनों ने बताया कि घर के बगल में पोखर है, जहां खेलने के दौरान मीनाक्षी का पैर फिसल जाने से वह था पानी में चली गई। मौके पर मौजूद अन्य बच्चों ने जब शोर मचाया, तब ग्रामीणों की मदद से मीनाक्षी को पोखर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही निवर्तमान जिला परिषद नंदनी सरकार मौके पर पहुंचकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतका के परिजनों को संतावना दी। वहीं कदवा पुलिस ने शनिवार को अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में शव का आंतरिक परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया। बाइक दुर्घटना में युवक की गई जान, दो गंभीर रूप से घायल। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी युवक गौरव कुमार, पिता संजय चौधरी, जो अपने 2 साथियों के साथ शुक्रवार को सैदपुर दुर्गा मंदिर दर्शन करने आ रहे थे, धरारा कब्रगाह के निकट सड़क पर लगी ट्रैक्टर
से अनियंत्रित होकर ठोकर लग जाने से तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से इलाज हेतु नौगछियान मंडली अस्पताल भेजा, जहां तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार मायागंज में इलाज के दौरान ही युवक गौरव कुमार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक दवा की कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शराबी युवक को पुलिस ने दबोचा। बीपुर के झंडापुर ओपी पुलिस ने शुक्रवार को महंत चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक को दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक भवानीपुर का दीपक कुमार है, जिसे शनिवार को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।